नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। नारसिंह वीर की सिद्धि या बाबा बालकनाथ जी बाबा बड़वाग सिंह जी के जोड़े में चलते हैं। ये एक ऐसे वीर, मैं आपको बताऊँ, दुनिया का हर काम करने की होने की ये एक तरह से शक्ति रखते हैं। ये इनके द्वारा किए गए काम जैसे भूत प्रेत जिन्नातों को पकड़ के पीठ लगाने के लिए गद्दी पे स्पेशल। देखो आपको बता दूं, अच्छे कार्य में ही इनका प्रयोग करें और अच्छे कार्य में ही पूर्ण रूप से आप गुरु सिद्ध में चलते हो, गुरु द्वारा आप इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम स्टोर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। तीन मेरा और चैनल है गुरु घोषणा शिव गुरु क्षण नोट, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है। इंटरनेट के दोनों में को मेरा गुरुआ को चेल लगो, गुरु ने किसी के चांस से मत फंसना। एक ही मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, अदरवाइज मेरे साथ स्पेशली बातचीत करनी है या किसी भी कार्य के लिए अरदास लगवानी है, कोई भी काम हो, चाहे मंत्र सिद्धि चाहे काम, 2550 अरदास का और मेरे साथ बातचीत करने का जो 1150 रुपया ही लगेगा। सभी धर्मों का आदर्शकार मन करते और व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते, मेरा काम सिर्फ जानकारी देना होता है। पूर्ण रूप से मेरे द्वारा देखिए करने से पहले मेरे दोनों पर अरदास, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। अब आती है नारसिंह वीर की सिद्धि कितने दिनों में होती है। जैनुअली अगर गुरु स्नेह में करोगे, गुरु कृपा से करोगे, तो पहली बार में ही हो जाएगी। 41 डेज में ही आपको इसका असर दिखना चालू हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम कोई साधना सिद्धि करते हैं तो उसमें हमें अनुभव नहीं आते हैं, यानी कि चीज़ हमें कम दिखती है, या एक आधी बारी दिखाई देगी लेकिन उसमें ही हमारे वचन और देवता की कृपा हो जाती है। हमें सिर्फ मंत्र का प्रयोग करके देखना होता है कि मंत्र हमारा कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है। जिनके पास बाबा बालकनाथ जी के जो भक्त हैं वो इस मंत्र को जप सकते हैं, बाबा प्रभाग सिंह के जो गद्दी बोल सकते हैं, या जिनके पास पहले से गद्दी है उनको तो पता होगा इनके बारे में, मगर फिर भी कभी उनके गुरुओं ने नहीं बताया या उनको इस शक्ति के बारे में नहीं पता, तो वो भी साधना कर सकते हैं। पूर्ण रूप से साधना विधान जो है वो गुरुमुख से ही लेके करना है। विधान की कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा, पूर्ण रूप से मैं आपको बता दूँ, मंत्र जो है वो गुरुमुख से ही लेके आपको करना पड़ेगा। मंत्र मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ तो आप करोगे भी तो भी ऐसे कार्य नहीं करेगा जब तक आप अरदास नहीं लगाओगे। अगर आप जनरल में इस मंत्र के अरदास लगवा के भी करना चाहते हो तो भी 2550 रुपये मेरे से लगना है। अदरवाइज़ इस मंत्र की दीक्षा लेनी है, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पूर्ण रूप से अरदास करूँ, आपने इनकी चौकी लेनी है या फिर आपने चौकी नहीं लेनी, आप पूछा का कार्य लेना चाहते हो इससे और आप इनकी गद्दी चाहते हो, तो फिर वो प्रसाद खर्चा जो ज़्यादा होता है, फिर अलग प्रकार से लगना है। इनके लिए आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, आप सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हो। अब बात आती है हमने चलाना किसके जोड़े में, तो बाबा बालकनाथ बाबा बड़वाग सिंह दोनों में से किसी के जोड़े में भी चला सकते हो आप। भोग में आप इनको वो होते ना कि ये दारू पे भी चलते हैं, मांस पे भी चलते हैं, तामसिक और सात्विक दोनों में चलते हैं, लड्डुओं पे भी चलते हैं, बतासों पे भी चलते हैं। गुरुमुख से मंत्र लेने के बाद रुद्राक्ष की माला और कोई भी आसन ले सकते हो, ठीक है ना, उसके लिए कोई ऐसा नहीं, मना ही नहीं है कि आप आसन लें। लाल रंग का और वाइट कलर का आसन लेके रुद्राक्ष की माला के ऊपर आपने पूर्णतः मंत्र का जप करना होता है। नारसिंह की खोपड़ी नारसिंह का कड़ा, जिथे बड़ावा उत्थे नारसिंह वीर खड़ा।